बड़ी खबर आपको देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का पश्चिम में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खारजियों को गिरफ्तार कर लिया है आईएसपीआर की जानिब से यह बताया गया है। धमाका खेज मवाद, 3 खुदकुश जैकेट्स और असलहा भी बरामद किया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब में भी ऑपरेशन। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक मौसर कार्रवाई की गई है, एक कामयाब ऑपरेशन किया गया है, जो 5 खारजियों की गिरफ्तारी है, यकीनी तौर पर इससे काफी इंकशाफात सामने आ सकते हैं। जी हाँ, देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी हुई और इसमें 5 जो पकड़े गए हैं और वेपन्स और एमिनेशन भी इनसे रिकवर हुआ है। और आपको याद हो कि अगस्त के महीने में भी यहाँ पे डीसी ऑफिस के करीब एक धमाका हुआ था जिसमें 2 बच्चों की जाने गई थी, और इलेक्शन से एक दिन पहले भी एक इलेक्शन रैली के दौरान पश्चिम ही में एक और धमाका यहाँ TTP ने क्लेम किया था वो हुआ था, और जिसकी वजह से 16 के करीब लोगों की शहादतें हुई थी। तो पश्चिम में एक और इम्पोर्टेंस ये भी है कि यहाँ सब 2 बड़े महाजिर कैंप्स है अफगान रेफ्यूजीज के, अब उनको सुरखाप और सरनान है, एक वो भी फैक्टर यहाँ पे इस एरिया में है, और ये क्वेटा से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पे है। तो पास में भी इधर टेररिस्ट एक्टिविटीज TTP की यहाँ पे होती रही है, और यहाँ पे PTM वाले भी एक्टिव रहे हैं पास्ट में जो बैन हो चुकी है, और जोब में भी जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे 2 ख्वारिश मारे गए हैं, और जोब में भी ये भी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार हो रही है। खासतौर पर संबाजा के इलाके में हमने पास में देखा था, वहाँ पे इनकाउंटर्स काफी टेररिस्ट के साथ हुए थे, तो अभी भी 2 जनरल एरिया में मारे गए। और जोब का इलाका जो है ये वैसे साउथ वजीरिस्तान के नजदीक है और DI खान के नजदीक पड़ता है। ओवरऑल देखा जाए तो अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मसूद अहमद खान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जब ये कार्रवाइयाँ होती हैं, या तो हलाक कर दिए जाते हैं या फिर ये होता है कि खारजियों की गिरफ्तारी होती है, तो इस हवाले से हमारे साथ हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उनकी जानब बढ़ लेते हैं, सवाल उनकी जानब शुरू करते हैं। हारिस साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को, एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये जो गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, सहूलत कारों तक पहुँचने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है? ये बहुत ही एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया है, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट पश्चिम में, और जहाँ पर रिपोर्ट मिली कि बहुत ज़्यादा तादाद में खवाजी हैं, और उनमें से 5 को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, और उसके साथ लार्ज क्वांटिटी में एमोनिशन, एक्सप्लोसिव और सुइसाइड वेस्ट भी पकड़ी गई हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ थी, क्योंकि इससे बहुत मल्टीपल उन्होंने ये एक्टिविटीज करनी थी, हमारी फौज ने इनको नकारा बना दिया। और इसके साथ साथ अगर आप एक और देखें कि फिर जोब में ऑपरेशन किया गया, जिन 2 खारजियों को मारा गया है, और फिर वहां भी वेपन एमुनिशन रिकवर किया गया है। एक बार जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहफ़ ये तहैया किया हुआ कि हम साफी कमान है जनासिब ने, कि हमने मुल्क को दहशत गर्दों को मारना है और दहशतगर्दी को खत्म करना है, और ये सैनिटाइजेशन एरिया ये कॉन्टिन्यू रहेगा, ये ऑपरेशन चलते रहेंगे जब तक एक भी टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। सही, ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर अपनी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि हम कामयाबी मिली है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से पश्चिम में खवारजियों के खिलाफ ऑपरेशन था, फोर्सेज ने 5 खवारजियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद किया गया, 3 खुदकुश जैकेट्स हैं, असलहा भी मिला है और भारी असलहा है, जिस तरह से अभी बताया भी जा रहा था हमारे एक्सपर्ट्स की जानब से कि अगर खुदा न खास्ता ये कहीं पर इस्तेमाल हो जाता तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी, लेकिन उससे कबल ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब तरीन ऑपरेशन किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।